एक साधु महाराज यात्रा कर रहे थे, तालाब के किनारे विश्राम कर रहे थे और उन्होंने बिस्तर वगैरह कुछ था नहीं, एक पत्थर का तकिया लगा करके विश्राम कर रहे थे। एक पानी भरने आई, उसने कहा देखो साधु बन गए हैं फिर भी अभी तक तकिए का मोह नहीं गया। साधु महाराज को बात चुभी, उठा करके पत्थर फेंक दिया, फिर लेट गए। दूसरी आई, उसने कहा साधु महाराज हो गए हैं लेकिन अभी तक क्रोध नहीं गया। किसी ने कहा तो उठा करके पत्थर का तकिया था वो भी फेंक दिया है, अंदर का क्रोध शांत नहीं हुआ। तीसरी आई, बोले महाराज ये तो तालाब का किनारा है, सैकड़ों लोग आते रहेंगे और सैकड़ों लोग कुछ कुछ बात कहते रहेंगे, आप अपनी साधना कब करोगे? महाराज को बहुत बात पतली। और एक ने कहा कि महाराज आपको बहुत बहुत प्रणाम लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन चित्त नहीं छोड़ा है, चित्त वहीं का वहीं बना हुआ है और संसार में सारे दुख का कारण है चित्त में निरंतर और निरंतर मोह भाव में वृद्धि होते रहना, मोह भाव में वृद्धि होते रहना। अब आप संसारी बातों से प्रभावित होते रहोगे तो क्या होगा? आनंद नहीं आएगा और संसार आपके साथ चलेगा नहीं। अब आपको दुनिया कहे क्या तुम गुरु पूजन करते हो, तुम तो पाखंड करते हो, आप जैसे हो आप अपना कार्य करते रहिए, अपनी साधना करते रहिए, अपनी पूजा करते रहिए, अपना ध्यान करते रहिए। आप आंखें बंद करोगे तो लोग कहेगा नाटक कर रहे हो, आप देखते रहोगे इधर उधर तो लोग कहेंगे देखो देखो। खुद को सन्यासी कहता है, साधक कहता है लेकिन नैन इधर से इधर 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 मटक के कर रहे हैं, नैन इधर से इधर घूम रहे हैं, नैनों में ही इसके शांति नहीं है, नैन मटक का क्यों कर रहे हैं? अब आपने आंखें भी फोड़ ली तो दुनिया कही कि कर्म किया उसका भोगना ही पड़ता है। तो भाई उस ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, उसको पाना है तो बहुत सरल है, अपना प्रेममय हृदय का द्वार सदैव सदैव खुला रखे, उसे रस से आप्लावित किए रहें। विशेष बात क्या है कि संसार को राजी करने में आप लगे हुए हो तो सबकी वाहवाही मिले। और आज गुरु पूर्णिमा की बूंद संध्या पर कहता हूं कि आपको कार्य इसलिए करना चाहिए, साधना इसलिए करनी चाहिए कि आप स्वयं को वाह वाह कह सके कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत सुंदर कार्य कर रहा है। दूसरों की वाहवाही के बजाय आपको खुद के अंदर की वाहवाही निरंतर और निरंतर मिलनी चाहिए। कौन जगत में वाहवाही देता है? कमियां ढूंढ छिद्रान्वेषण की संसार की आदत है। और आप किस किस की परवाह करोगे? यदि सबकी परवाह करते गए तो परवाह करते करते थक जाओ, शरीर मन सब क्लांत हो जाएगा। मैं तो गुरु हूं, आपको व्यास पीठ से कह रहा हूं किसी की परवाह मत करो, अपने मन की सुन करके, अपने मन की बात को सुन करके, अपने मन के अनुसार कार्य करो तो आप अपने जीवन में परम आनंदित रहेंगे, नित्य आनंदित रहेंगे। उस मन की वाणी ईश्वर की वाणी है, क्योंकि आपके मन में ईश्वर का वास है, आपके मन में गुरु का वास है। इसलिए कहा गुरु गति पार लगावे, संसार आपकी गति पार नहीं लगाएगा, गुरु आपको गति से पार, गति द्वारा आपकी गति को पार लगाने के लिए निरंतर तत्पर हैं और आप निरंतर आपको प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं, शक्ति प्रदान करते रहते हैं, उत्साहवर्धन प्रदान करते रहते हैं और हर कष्ट में आपको लगता है कि गुरु मेरा सहारा है, इस कष्ट से भी मुझे निकाल लेंगे। दुनिया क्या कहेगी इस पर ध्यान देते रहोगे तो आपको अपने जीवन में अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं होगा। यदि आप निखिल के शिष्य हो
अपने भीतर ध्यान दो, अपने भीतर ध्यान दो, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन दुनिया को अपने ऊपर हावी मत होने देना। यदि आप निखिल चीचे हैं, यदि दुनिया ने हावी होने दिया तो वह आपको और दबाती रहेगी, और दबाती रहेगी, और दबाती रहेगी। अपने मन के ऊपर किसी को हावी मत होने देना, चाहे कोई भी हो, अपने मन के ऊपर, क्योंकि वह मन है गुरु का स्थान, उस पर किसी को हावी मत होने देना। अब रिलैक्स रहना है, टेंशन में रहना है, रिलैक्स। अभी शोभा यात्रा संपन्न की थी, मच्छरों ने काटा था कि नहीं काटा था, है? काटा था। मच्छर भी उसी को काटते हैं जिसका खून मीठा हो। अंदर कड़वाहट बढ़ी रहेगी तो मच्छर भी टच आएगा, उसको मालूम पड़ जाएगा सूंघ करके, अरे इसके अंदर तो कड़वाहट बढ़ी, इसका खून पी करके मैं क्या करूँगा। यदि मच्छरों ने काटा है, इसका मतलब है आपके अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है, मीठे रक्त का प्रवाह हो रहा है, इसलिए लोग आपकी ओर, मच्छर भी आपकी ओर आकर्षित होकर के आए। और मच्छर कहाँ आकर्षित होता है? जहाँ प्रकाश होता है। आपके अंदर प्रकाश होगा, ओज होगा, तो दुनिया आपकी ओर आकर्षित होगी। आप ही पूछे हुए रहोगे, कोई आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा। ये तो खुद ही फ्यूज है यार, फ्यूज के पास जाके क्या करें? तो फ्यूज रहना है या प्रकाशवान रहना है? मीठे रहना है, कड़वे रहना है? किसके साथ मीठे रहना है? सबके साथ, ठीक है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोल शंकरदेव भगवान की।